हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाला यस बैंक लिमिटेड के बारे में, क्योंकि इसमें दिख रही है बड़ी गिरावट और ये डाउन है 56.5% के आसपास पिछले दो महीने में, और पिछले एक हफ्ते में ये डाउन है 22.35% के आसपास, और आज यानी कि 13 जून 2019 को ये डाउन है लगभग 13% के आसपास, और इसी के साथ इसने तोड़ दिया अपना 132 रुपए का सपोर्ट का लेवल और साथ में बना लिया नया 52 वीक्स का लो जो है 117 रुपए 40 पैसे का। तो सवाल आता है कि क्या वजह है इस लगातार गिरावट की और क्या करना चाहिए आपको स्टॉक में, क्या आपको करना चाहिए इसको बाय सेल या फिर करना चाहिए होल्ड। तो उसके लिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या वजह है यस बैंक के स्टॉक के प्राइस के गिरने की, और फिर डिटेल में करेंगे इसकी टेक्निकल एनालिसिस और जानेंगे इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को, और उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए आपको यस बैंक के स्टॉक में। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं, और बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ और उस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये है प्राइस सेटअप यस बैंक लिमिटेड का और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या वजह है यस बैंक के स्टॉक की इस लगातार गिरावट की। तो इसकी मेन चार वजह है, जिसमें से पहली वजह है इसका बहुत ही बुरा क्वार्टर फोर का रिजल्ट, जिसमें बैंक ने पहली बार शो किया था अपना बहुत ही बड़ा लॉस जो था 1506 करोड़ का। इसके अलावा जो दूसरी वजह है वो ये है कि मिस्टर अजय कुमार जो इसके फॉर्मर इंटरिम सीईओ है, उन्होंने रिजाइन कर दिया 10 जून 2019 को, यानी कि पिछले सोमवार को। इसके साथ ही मिस्टर मुकेश सबरवाल जो कि चेयरमैन है नॉमिनेशन कमेटी के बैंक के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया अपना 11 जून को। और तीसरी मेन वजह है कि रेटिंग एजेंसी मूडी ने अंडर रिव्यू कर दिया है यस बैंक की रेटिंग को, मेनली डाउनग्रेड के लिए, वो भी 11 जून को। और चौथी मेन वजह है कि फॉरेन ब्रोकरेज हाउस यूबीएस, उसने अपना जो टारगेट प्राइस है यस बैंक का वो घटा दिया आज के दिन, यानी कि 13 जून को। पहले उसने जो टारगेट दिया था यस बैंक का वो था 170 रुपए, उसको घटा के कर दिया है 90 रुपए, यानी कि लगभग 47% के आसपास की ड्रॉप है उसके टारगेट प्राइस में। और ये सारी वजह है जिसकी वजह से लगातार गिर रहा है यस बैंक का स्टॉक। तो अब डिटेल में देख लेते हैं यस बैंक के टेक्निकल्स को। और अब मैंने लगा दिया यस बैंक लिमिटेड का चार्ट दोपहर के 1 बजे 13 जून को 5 मिनट के इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि कल की जो इसकी क्लोजिंग हुई थी वो थी 134.75 रुपए पे, और आज जो इसकी ओपनिंग हुई है वो एक गैप डाउन से भी 127.50 रुपए। उसके बाद आप देख सकते हैं लगातार आई इसमें गिरावट, और यहां इसने आज के दिन का जो लो बनाया वो बनाया 11:30 बजे के आसपास जो था 117.40 रुपए। उसके बाद आप देख सकते हैं ये साइडवेज चल रहा है, और मुझे लगता है कि एंड ऑफ द सेशन में हमें और गिरावट देखने को मिल जाएगी यस बैंक के स्टॉक में। तो इसके प्राइस मूवमेंट को और डिटेल में देखने के लिए मैंने लगा दिया इसका चार्ट डेली इंटरवल पे आपके सामने 2019 से लेके अब तक। तो आप देख सकते हैं इसका जो एक हाई बना था वो बना था यहाँ पे 3 अप्रैल 2019 को, जो था 286 रुपए का, लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद इसमें गिरावट का जो दौर है वो कंटिन्यूस बना रहा है। उसके बाद देख सकते हैं एक बड़ी स्टीप गिरावट इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट को लेके, और फिर इसमें गिरावट का जो दौर है वो कंटिन्यू रहा है। और उसने जो अपना 52 वीक का लो बनाया था वो बनाया था 17 मई को, जो था 132.45 रुपए का। उसके बाद कई बार ये इस पॉइंट के आसपास गया, जैसे कि 10 जून को आप देख सकते हैं 132.55 रुपए का इसने लो बनाया था। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा था कि एक सपोर्ट है यहाँ पे, 132 का जो मार्क है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, लेकिन आज आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट आई है इसके स्टॉक प्राइस में, और इसने 132 का जो सपोर्ट है वो भी तोड़ दिया है, और आने वाले दिन में मुझे कोई यहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नियर टर्म में तो नहीं दिख रहा है। तो इसके डाउनवर्ड ट्रेंड्स को और थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं, उसके लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे वॉल्यूम का चार्ट। आप देख सकते हैं कितना हाई वॉल्यूम में ये ट्रेड हो रहा है आज के दिन में। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो गिरावट है ये कंटिन्यूड रहेगी, तो उसको थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के थ्रू। मैं लगा रहा हूँ ये 5 डे का ब्लू लाइन, 8 डे का रेड लाइन, 13 डे का ब्लैक, 21 डे का ग्रे, और ये 50 डे का पर्पल लाइन आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है ये स्टॉक का प्राइस। मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल कोई रिकवरी होगी। अगर इसके सपोर्ट की बात की जाए तो भी मुझे नहीं दिख रहा है। तो जैसा कि मूडी ने इसका जो टारगेट रख दिया है 170 से घटा के 90 रुपए का, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो टारगेट प्राइस हमें अचीव होता हुआ दिख जाएगा। ऑलरेडी 117-118 के आसपास है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है गिर के ये 90 के आसपास भी पहुंच जाए। तो अब सवाल आता है कि क्या करना चाहिए आपको यस बैंक के स्टॉक में, क्या आपको करना चाहिए बाय क्योंकि प्राइस बहुत कम हो गया। लेकिन मैं कहूंगा नहीं, इसका जो डाउनवर्ड ट्रेंड है अभी चलेगा, ऊपर से 90 रुपए का जो टारगेट है यूबीएस ने जो सेल की रेटिंग दी है वो अभी कंटिन्यू रहने वाली है, इसलिए बाय के लिए तो मेरा सजेशन होगा नहीं। अगर आप बोलेंगे होल्ड करने के लिए तो भी मैं कहूंगा नहीं, ये और नीचे जाने ही वाला है, इसलिए होल्ड करके भी कोई फायदा नहीं है। बेटर है कि अपना आप लॉस बुक करके निकल लें, और फिर जब इसका अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो तब आप करें इसको बाय।
तो अगर आप सेल के लिए पूछेंगे तो मैं कहूंगा यस, आपको बिल्कुल स्टॉक को सेल करके एग्जिट कर लेना चाहिए। इसमें अभी कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये अपना 90 का मार्क है। भले 90 ना पहुंचे, लेकिन 100 के नीचे का जो मार्क है वो जरूर ये टच कर लेगा आने वाले दिनों में। तो यही मेरा वर्डिक्ट यस बैंक लिमिटेड के बारे में वीडियो करूंगा। ये पे वाइंड अप पसंद है तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।